हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 48 साइज डबल कटोरी ब्लाउज फॉर्मा कटिंग और यह है फुल मेजरमेंट। स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने लिया है 17 इंच और ये जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 16 इंच। तो 1 इंच लिया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए और शोल्डर है 6.5 इंच। ये थोड़ा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने 6.5 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल लिया है 7 इंच, जितना मैंने शोल्डर लिया है उससे 1/2 इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल। और चेस्ट है 48 इंच, 48 को 4 से डिवाइड करने से होते 12 इंच, तो मैंने 12 इंच में इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, कभी भी छोटा पड़ जाए तो खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है। तो आर्म होल की मतलब तालपाट कटिंग करना चाहिए, जिसका जो चेस्ट ज़्यादा है तो तालपाट कटिंग करना चाहिए। तो मैंने बाहर की साइड में 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया था, तो उसी मार्किंग को मैंने सीधा कर लिया था। और बैक साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल की मिडिल से इसी तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है और बैक नेक का डीप लिया है 11.5 इंच। आप लोग चाहे तो और भी थोड़ा सा डीप कर सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम ही रखा है 11.5 इंच। अभी इसमें गुलाई का शेप दे दूंगी। तो गुलाई का शेप देना हो गया है और जितना मैंने चेस्ट लिया था चेस्ट को इस तरह से हाफ करते हुए मैंने टेकन के लिए मार्किंग कर दिया। और टेकन का लंबाई रखा है मैंने 4.5 इंच और मैंने 1/2 इंच 1/2 इंच रखा है जो टेकन है उसका मार्जिन देने के लिए। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो लेंथ है वो मैंने बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि जो फ्रंट साइड में बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करना पड़ता है इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो हो गया था 18 इंच। और शोल्डर लिया है 6.5 इंच, जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था शोल्डर 6.5 इंच वैसे ही लिया है 6.5 इंच। और आर्म होल लिया है 7 इंच और चेस्ट ले लूँगी 48 इंच, 48 को 4 से डिवाइड करने से होता है 12 इंच, तो मैंने इसी तरह से 12 इंच ले लूँगी। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ जाए तो खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दिया। और ये तालपाट कटिंग करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये जो चेस्ट है वो ज़्यादा है इसलिए तालपाट कटिंग करना पड़ेगा। तो 1/2 इंच इस तरह से बाहर से मैंने एक मार्किंग कर दिया है, उस मार्किंग को मैंने इस तरह से आर्म होल की तरफ मिला दिया है। अभी फ्रंट साइड में गुलाई का शेप दे दूंगी। तो मैंने 1 इंच लिया है फ्रंट साइड में गुलाई का शेप देने के लिए, अभी उसको इस तरह से गुलाई का शेप दे दूंगी। तो गुलाई का शेप देना हो गया है। अभी नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच, नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। अभी उसको इस बॉक्स की तरह बना लूँगी और उसमें गुलाई का शेप दे दूँगी। और मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया था कि मैंने शोल्डर से नीचे तक जो मार्किंग करती हूँ उसका फॉर्मूला क्या है, मैंने किस हिसाब से लेती हूँ। तो वही आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि हमारा जितना चेस्ट होता है चेस्ट को 4 से डिवाइड करके जितना होता है उससे 2 इंच या 2.5 इंच ऐड करके हमारा जो बेल्ट होता है उसका शेप देना पड़ता है। तो मैंने 2 इंच ऐड कर लूँगी, 12 के साथ 2 इंच ऐड करने से होता है 14 इंच। तो मैंने 14 इंच पर एक मार्किंग कर लूँगी। आप लोगों का हाइट ज़्यादा है तो आप लोग 14.5 में मार्किंग कर लेना। तो मैंने जो नॉर्मली होता है वो ही लिया है, तो हो गया था 14 इंच। तो मैंने 14 इंच में एक मार्किंग कर दिया है, तो आप लोग देख सकती हो। और कटोरी के लिए ले लूँगी 7.5 इंच, मैंने कटोरी के लिए 7.5 इंच लिया है और आर्म होल की साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है, इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है।
और जितना मैंने नेक लिया था नेक की साइड में 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मैं कटोरी का शेप दे दूंगी, मतलब गुलाई का शेप दे दिया है कटोरी का, तो शेप देना हो गया है। मैंने जितना कटोरी के लिए लिया था उसको हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर देना है, तो उसी मार्किंग का लंबाई लेना है 3 इंच। इस तरह से मैंने 3 इंच लंबाई ले लिया है और साइड से ले लूँगी 3.5 इंच। मैंने इस साइड से 3.5 इंच लिया है और इसी साइड से भी मैंने 3.5 इंच ले लूँगी। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से जुड़ दूँगी और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। अभी उसको बेल्ट का शेप दे दूँगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी, जिस तरह से मैंने मार्किंग करी हो उसी तरह से कटिंग कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज का ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा एंड कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैंने एक एक पार्ट को इस तरह से कट कर रही हूँ, जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी की मिडिल में इस तरह से कट कर लिया है। तो हमारा जो कटोरी है कटोरी का ही ये भी बड़ा करना है। तो जो फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से पेपर में बैठा दिया है। अभी उसको चारों ओर मैंने मार्किंग कर लूँगी, इस तरह से मैंने चारों ओर मार्किंग कर लिया है। और कटोरी के नीचे की साइड में मैं 1 इंच बढ़ाऊँगी। आप लोगों को आप लोगों का जो चेस्ट है वो ज़्यादा है तो आप लोग चाहे तो साइड से 1.5 इंच भी बढ़ा कर सकती है, लेकिन मैंने 1 इंच बड़ा किया है नीचे की साइड से। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा करूँगी, इस तरह से मैंने 1/2 इंच बड़ा किया है। और उसको भी अभी शेप दे दूँगी, जिस तरह से कटोरी है उसका शेप दे दूँगी। बहुत लोगों का कटोरी कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है या टीचिंग करने में प्रॉब्लम होती है ना, आप लोग सही तरीके से कटिंग करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगी। तो कटोरी को इस तरह से मैं हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। और कटोरी के नीचे की साइड से भी 1 इंच लेना है, 1 इंच बड़ा करते हुए लेना है। और इस साइड से 1/2 इंच और यह साइड से 1/2 इंच, 1/2 इंच 1/2 इंच ले लूँगी साइड से। अभी उसको भी शेप दे दूंगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना वैसे कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% ही 1000% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपका ब्लाउज फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और ये 48 साइज का डबल कटोरी ब्लाउज का मैं डायरेक्ट फैब्रिक में भी कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी के मैंने मेजरमेंट लिया है तो आया है 10 इंच, तो मैंने 10 इंच लंबाई में ले लिया है 10 इंच। और ये जो सेकंड कटोरी मैंने कटिंग किया था उसका जो लंबाई लिया था फर्स्ट में तो उसको लंबाई था 3.5 इंच, तो और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गए है 4.5 इंच। तो उसका चौड़ाई में मैंने 4.5 इंच लिया है सेकेंड कटोरी के लिए। अभी उसको इस तरह से बॉक्स की तरह बना लिया है मैंने। और इस साइड से नीचे ऊपर की साइड से इस तरह से 1 इंच पे मैं मार्किंग कर लूँगी, जिस तरह से मैंने बॉक्स की तरह बनाया था उसके नीचे 1 इंच पे एक मार्किंग किया है। अभी नीचे की साइड में मैंने 1/2 इंच पे और एक मार्किंग किया है। और नीचे का जो साइड है वो होगा बेल्ट का साइड। और ये जो फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखना है और उसके बाद शेप दे देना है। इस तरह से आप का कटोरी जो होता है उसका शेप दे देंगे तो जो कटोरी है वो परफेक्ट आएगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि कटोरी छोटा पड़ जाती है बड़ा हो जाती है, दोनों कटोरी मैचिंग नहीं होती है, क्योंकि आप लोग शायद अच्छी तरह से कटिंग ही नहीं करती है। आप लोग अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो कटोरी है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट कटोरी को इस तरह से चेक भी कर लेना कि सही तरीके से गुलाई का शेप आया कि नहीं। तो दोनों शेप अच्छी तरह से आ गए हैं। तो मैं ये अभी कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी।
तो ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए स्लीव के लिए मेजरमेंट लेना है, तो आया है 12.5 इंच। अभी स्लीव के लिए मैं कटिंग करूँगी, और स्लीव के लिए आप लोग जब भी कटिंग करेंगे जो फैब्रिक है वो फैब्रिक को फोर फोल्ड में कर लेना। तो स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैंने 12.5 इंच लिया है, और स्लीव का लंबाई लिया है मैंने 8 इंच। अभी उसको इस तरह से सीधा मार्क कर लिया है, और जितना मैंने स्लीव का लंबाई लिया है उससे 3.5 में नीचे 3.5 में और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसी मार्किंग को मैं सीधा कर लिया है, तो इस साइड से मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी, और ऊपर के साइड में मैं 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दूंगी। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाना है, अभी इसको इस तरह से शेप दे देना है, और जो मुहूरी है 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूंगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दिया है, तो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग करी हूँ, और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना ले सकती है। तो स्लीव में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना, तो मैंने हाफ इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग कर लिया है। तो मेरा जो स्लीव है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है, और उसके बाद आप लोग एक बार चेक भी कर लेना कि सही तरीके से हुआ कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो जो स्लीव है वो सही तरीके से कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। और ये आप लोगों को मेरा ये कटिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, ताकि ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छी तरह से सीख सके। तो मैंने इसमें लिख भी दिया। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।